अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो चैप्टर के अंदर हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास पेज नंबर 94 पर। व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में आईसीयू क्या होता है? सो आईसीयू स्टैंड्स for an intensive care unit. The people who are seriously ill are cared and treated in this unit. क्वेश्चन नंबर टू भी हम पेज नंबर 94 पर ही मिलेगा। टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स? एक मरीज का सेहत याब होना डॉक्टर और नर्स पर किस हद तक इन्हसार करता है? आंसर नंबर वन था। आंसर नंबर टू, द रिकवरी ऑफ द पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर and the nurse to a large extent. Question number three है हमारे पास पेज नंबर 95 पर। What do you infer about her professional skills from the expression try once for her? ये जो नर्स ने फिक्रा बोला था, एक बार उसके लिए कोशिश करो, ये उसकी पेशा वाराना सलाहियतों को किस हद तक उजागर करती है? तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। She thought patient needs continuous attention and care. मरीज को मुसलसल तवज्जो और देखभाल की जरूरत थी। She had full confidence in herself. Also, उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद था। Her expression try once for her speaks of her professional skills. अब
अब हम देखेंगे इनके टेक्स्टुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हमें मिलेंगे पेज नंबर 97 पर. सबसे पहला सवाल है हमारे पास, व्हाई डिड द नर्स आस्क हीराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर. नर्स ने क्यों कहा था हीरा की बहन से कि वो उसके पास आए और उससे बातचीत करे. She called her younger sister to come and talk to her thinking that her voice might activate her sister's nearly dead neurons and brain. She called her younger sister to come and talk to her. उसने बुलाया उसकी छोटी बहन को कि वो आए और उससे बातचीत करे. Thinking that, ही सोचते हुए, her voice might activate her sister's nearly dead neurons and brain. कि हो सकता है कि उसकी बहन के मुर्दा खुलिए और दिमाग को उसकी आवाज मुतहरक कर सके. क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नर्स जो है वो डॉक्टर के नुक्ते नजर से क्यों इत्तेफाक नहीं करती थी. आंसर नंबर टू है हमारे पास, शी वॉज थिंकिंग that it was unwise to leave a patient unattended. उसका सोचना था कि किसी भी मरीज को बिना देखभाल के छोड़ देना अकलमंदी नहीं है. क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, व्हाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, वाज इट वर्थवाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स. नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों पूछा था कि क्या क्वालिफाइड और सीनियर्स डॉक्टर्स के फैसले के खिलाफ जाना दुरुस्त होगा. सो आंसर नंबर थ्री है हमारे पास, शी हैड टेकन अ स्पेशल परमिशन for Hira to stay
इन आई सी यू. शी वॉज अ होपलेस केस. She had risked her career she had made many exercises on her butt in vain. She also thought that it would not be worthwhile to oppose the senior surgeons She had taken a special permission for Hira to stay in ICU. उसने Hira के लिए एक खसूसी इजाजत ली थी ICU के लिए. She was a hopeless case. वो एक बेउम्मीदी का केस था. She had risked her career. उसने अपना career दाव पर लगा दिया था. She had made many exercises on her. उसने उसके ऊपर बहुत सारे मशकें की. But vain, लेकिन बेसुध. She also thought. So that's why she also thought that it would not be worthwhile to oppose the senior surgeons. तो इसलिए उसने सोचा कि senior surgeons के खिलाफ जाना भी कुछ बेहतर नहीं होगा. So that's why. That's why she also thought that it would not be worthwhile to oppose the senior surgeons. Last one question hai hamare paas. Why did the nurse say, where there is a will, there is a way? नर्स ने क्यों कहा था जहां चाह वहां राह. शी सेड सो. उसने ऐसा कहा बिकॉज शी प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली. That a possible that a hopeless patient could be cured if you are
willing to fight a lost war if there is no will, there is no way. She said so. उसने ऐसा कहा because क्योंकि she proved it practically. उसने इसे अमली तौर पर साबित किया था that a hopeless patient could be cured. एक नाउम्मीदी वाला मरीज ठीक हो सकता है if you are willing to fight a lost war. अगर आप तैयार हैं एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए. If there is no way, there is no way. अगर चाह नहीं है तो कोई राह भी नहीं है. इसके साथ ही आज का ये यूनिट नंबर 9 जो है ये ख़त्म होता है. उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी.